हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस शुक्ला व्लॉग्स। दोस्तों, आपको बता दूं कि कल मैं और मेरी फैमिली हम लोग माँ वैष्णो के दर्शन करने के लिए जम्मू जा रहे हैं। तो जम्मू जाने से पहले जो मेरी वाइफ हैं सौम्या, तो वो तैयार होने के लिए, सजने धजने के लिए, पता नहीं क्या क्या औरतें करवाती हैं, जो भी सब करवाती हैं, उसके लिए जा रही हैं ब्यूटी पार्लर। और पिछले 10 मिनट से तैयार हो रही हैं, ब्यूटी पार्लर जाने के लिए भी तैयार हो रही हैं, वहाँ सजने जा रही हैं, सजने जाने के लिए भी सज के जा रही हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं ये क्या कर रही हैं। चलिए आपसे, आपको मिलवाता हूँ इनसे। सुमो, सौम्या, हाँ। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस चल रहे, 2 मिनट रुको। क्या कर रही हो? रुक जा 1 मिनट। 2 मिनट कितनी देर से चल रहा है? अरे इधर तो देखो, देखो कौन है, कोई है? अरे यार तुम तो और रुक जा रहा है, प्लीज। तुम कितनी देर तैयार होगी? बस हो ही गई, बस हो गया मेरा तो। कहाँ जा रही हो? पार्लर। पार्लर, ये पार्लर जा रही है? पार्लर क्या करने के लिए जा रही हो? चुप रहो। अरे बता भी दो। आपको बता दूं, ये ब्यूटी पार्लर जा रही हैं, वो थ्रेडिंग वगैरह जो भी होता हो सब करवाने के लिए, और वो करवाने के लिए घर से तैयार होकर जा रही है। वहां सजने धजने जा रही हैं और घर से तैयार होकर जा रही हैं। ब्यूटी पार्लर जाने के लिए भी आधा घंटा इनको पहले तैयार होने के लिए चाहिए, तब ये ब्यूटी पार्लर जाएंगी। अच्छा, बेकार। आप लोग जैसा कि जानते होंगे ब्यूटी पार्लर में क्या होता है, वो तो मैंने कहीं पे पढ़ा था, वो पुरानी जो बिल्डिंगे टाइप होती है ना, उसकी मरम्मत करके नई बना दी जाती है। जैसे उसी तरह वहां पे पुरानी और खड़ूस ओबड़ खबड़ औरतों को सजा धजा के एकदम नया कर दिया जाता है। मैं बताऊं, मैंने कई वीडियो भी देखे ऐसे, एक से एक मतलब लड़कियां जो इतनी अच्छी नहीं थी, बस 5-10 मिनट के मेकअप में क्या से क्या हो जाती हैं। तो क्या बताऊं यार, मतलब काफी लोग तो धोखा खा जाते हैं फोटो देख के। इसलिए बता दूं आप लोगों को भाई, वो फोटो देख के कभी किसी का धोखा मत खाना, जब तक रियल ले मत ना मिल लेना किसी को, धोखा खा जाओगे, बता रहा हूँ। इसीलिए ब्यूटी पार्लर में जाने के बाद लड़की जो जाती है ना, वो निकलती नहीं है, वो जैसी जाती है निकलती उससे कहीं गुना खूबसूरत हो गए। अब ये देखिए, ये जा रही है ब्यूटी पार्लर, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रही हूँ, उसके तो लिए पहले ब्यूटी पार्लर जाता है। क्या दर्शन करने जाएगा तो कैसे, ऐसे पागलों जैसा जाएगा बनके? नहीं नहीं, पागलों जैसा बनके क्यों जाएगा? अभी किसी के यहाँ, अभी अभी रिश्तेदारी में कहीं पे किसी मेहमान के यहाँ जाओ अगर, तो ऐसे बन के जाओगे या तो माता के यहाँ जा रहे हैं तो अच्छे से नहीं जाना चाहिए? क्या रखा हुआ है? मूंगफली। अच्छे से जाओ। ओह, मूंगफली रखी हुई है। अब आप ही लोग बताइए कि वैष्णो देवी के दर्शन कोई आईब्रो सेट करवा के और फेशियल वेशियल करवा के कोई कहीं जाता है? अरे सब लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए तो मतलब दर्शन इसलिए करने जाते हैं ताकि हम वहाँ उनसे अपने दुखड़े कह सकें, उनसे अपने दिल की बात कह सकें, उनसे कुछ मांग सकें, तो उनके दर्शन कर सकें। और ये वहां भी जा रही हैं तो आईब्रो सेट कर रहे हैं। भाई मैंने कहा कि वैष्णो देवी के दर्शन करने जा रही हो, शादी में नहीं जा रही हो कि सज धज के जा रही हो, लोग तुम ही को देखेंगे वहां पे। तुम तो जा रही हो, उन्होंने तुमको जैसा बना है के भेजा है, तुम वैसे ही जाओ उनके सामने। लेकिन ये देखिए, हाँ हाँ, मेरी तरह करो, कुछ भी पहन लिया, बस चल दिए, अपना शर्ट पहना, पैंट पहना, शूज पहना, चल दिए तैयार होने। आप लोग खुद जानते होंगे तैयार होने की जरूरत और सजने धजने की जरूरत किसको होती है, जो अच्छा नहीं लगता है। और जो खुद इतना अच्छा हो, अच्छा। मुझे नहीं लगता मेरे को बहुत ज्यादा तैयार होने की जरूरत है। तैयार होने की जरूरत तुमको है, तुम तैयार हो, लगा लो। जरूर जरूर। आपको बताऊं, दरअसल हमारे पड़ोस में पूजा है, तो अभी पूजा में भी जाना है। तैयार नहीं होना आपको? तो मैं तैयार हूँ, मैंने बढ़िया टी शर्ट पहन रखी है, बस लोअर उतार के मुझे जीन्स चेंज करना है, उसके बाद मैं हम लोग चले चलेंगे वहीं पे। मैंने कहा था ना कि कुछ तो करना खुद को पड़ता नहीं है, शर्ट पहन लिया, पैंट पहन लिया, बस चल दिए। शर्ट भी नहीं पहनूंगा, जो है टी शर्ट वही बहुत है। जाइए तैयार होइए जल्दी, फिर देखिए कथा में भी चलना है, टाइम हो रहा है। तुम पहले तैयार हो लो। हम तैयार हो, तुम तैयार होने के लिए, हम हो गए तैयार, बस नहीं 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 नहीं, तुम नहीं, तैयार होने जाने के लिए भी तैयार हो लो पहले, उसके बाद फिर मैं तुमको लेके चलता हूँ ब्यूटी पार्लर, फिर वहां से आते हैं तो चलेंगे पूजा में। अब मुझे तैयार होने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी बहुत नहीं जरूरत है, ठीक है, लेकिन अच्छा लग रहा हूँ ना। हाँ
बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलो चलो जल्दी करो, उसके बाद हम लोग जाएंगे फिर। जल्दी तैयार हो ये जल्दी प्लीज। आपको बता दूं फ्रेंड्स, हम लोग कल वैष्णो देवी जा रहे हैं और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं आज तक कभी भी जम्मू नहीं गया, माँ वैष्णो के दर्शन मैंने कभी नहीं किए। अब मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे बहुत, मैं कभी नहीं गया। अभी पैकिंग भी करनी है, अभी बहुत काम करना है हम लोगों को। तो मेरी तो हो जल्दी जल्दी जाता हूँ मैं, मेरी तो आधी हो गई है। इनकी सुनिए फ्रेंड्स, मेरी तो आधी हो गई है, इनकी बाकी। अच्छा तो फ्रेंड्स अब मैं चलता हूँ वाकई अब, क्योंकि नहीं तो फिर इसका पारा बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा और फिर अच्छा नहीं रहेगा मेरी सेहत के लिए और मेरे लिए। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हम आपको ऐसे ही रोज अच्छी अच्छी वीडियोस लाके देते रहेंगे। तो बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।